आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना दोस्त मज़र इकबाल और आप देख रहे हैं बाबा फरीद काला तितर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी अच्छी वीडियो आपके लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है और छोटी सी वीडियो है। इसको मुकम्मल वाच कर लीजिएगा एंड तक, क्योंकि इसके अंदर एक तो मैं आपको नुस्खा बताऊँगा, काला तितर जो कभी नहीं बोलता, कभी नहीं। आप बोलते हैं कि भैया हमने हर नुस्खा लगा के देख लिया, हर तरह से कुछ ना कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा तितर जो है बोल नहीं रहा, कभी नहीं बोल रहा। तो उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है, एक तो वो आपके इसी वीडियो के अंदर आपको मैं नुस्खा बताने वाला हूं। दूसरा ये जो काले तितर के छोटे बच्चे लेना चाहते हैं, अगले मंथ को इंशाल्लाह आपको जरूर बच्चे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास जो है 35 बच्चे आ रहे हैं छोटे जीरो साइज के। तो इंशाल्लाह आपको, रात को 2-3 बंदों ने मुझे कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे कि भाई हमें काले तितर का बच्चा चाहिए, सिंधी चाहिए, अच्छे वाला चाहिए। तो उसकी गारंटी मैं आपको दूंगा कि सिंधी तितर होगा और इंशाल्लाह 100% आपको अच्छा बच्चा मिलेगा और कम पैसों में मिलेगा। तो ये आपके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आप याद करेंगे कि भाई ने जो गिफ्ट दिया, कैसा गिफ्ट दिया, याद करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो के तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी कुछ फ़ायदा और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो आपने क्या काम करना है जनाब, जो आपका तितर कभी नहीं बोलता उसका एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप कहीं लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं। आपने जनाब सबसे पहले जो बादाम होते हैं उसकी 2 गरियाँ पानी के अंदर सुबह सुबह भिगो के रख देनी है, ठीक है। शाम को जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी, आपने उसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार के आपने जो हमारी ज़बान में दोरी सोटा भी उसको बोला जाता है, उसके बाद घोटना भी बोला जाता है, उसके बाद गिल्ली डंडा भी बोला जाता है, आपने उसके अंदर डाल लेना है। उसको साफ़ कर लेना है कि आपकी घर की जो होती चीज़ें अक्सर उसके अंदर मिर्ची वगैरह लगी होती है, आपने धो के उसको खुश कर लेना है। उसके अंदर 2 गरियाँ बादाम की डाल लेनी है, उसके बाद 4 चने जो हैं कच्चे, एक चना होता है कच्चा, एक होता है भुना हुआ चना, उसकी गरी होती है, चना नहीं गरी होती, उसका छिलका उतरा होता है, आपने 4 दाने वो उसके अंदर डाल लेने हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद ये 2 चीज़ें होगी, उसके बाद आपने खुरमानी की चीड़ ले लेनी है, पंसारी से मिल जाएगी आपको, वो भी थोड़ी सी ले लेनी है, वो उसके अंदर डाल देनी है, थोड़ी सी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी। ये 3 चीज़ें डाल के ऊपर से आपने इसको पहले अच्छी तरह से पीस लेना है, एक जान कर लेना, पाउडर बन जाएगा। जब आपका वो पाउडर बन जाएगा उसके बाद आपने जनाब इसके अंदर जो है ना गरी का तेल होता है वो भी आपने खालस लेना है, गरी का तेल डाल लेना है, उसकी गोली बना लेनी है। जब गोली बन जाएगी रात को आपने तितर को खुराक देनी है। आपका तितर 2 गोली लेता है, 3 गोली लेता है, आपने जनाब वो तो आपने उसकी गोलियां बना लेनी। आपका तितर जितनी खुराक लेता है ना, यानी कि 2 गोलियां लेता है, 3 लेता है, आपको उसका पता होगा। तो आपने डेली वो गोलियां जो है लगातार 3 दिन देनी है रात को। ये नुस्खा तैयार करने के बाद गोलियां बना लेनी है, गोलियां 2 आपका तितर लेता है, 3 लेता है, ये रात को आपने 3 दिन ये लगातार ये खुराक देनी है। इंशाल्लाह आपका तितर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बोलेगा। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो आपका तितर जो है वो बैग मारना शुरू कर देगा, कल्टी मारना शुरू कर देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, 3 से ज़्यादा दिन ये चीज़ नहीं देनी है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपने तितर के जो बच्चे हैं, तो भाई हमारे पास 35 बच्चे आ रहे हैं। तो जो जो भाई चाहता है कि उसको बच्चे मिले, तो उसकी जो प्राइस होगी वो नॉर्मली होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो वो मेरी तरफ़ से आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, जिस रेट से पीछे से आएंगे उसी रेट पे आपको मिलेंगे, ज़्यादा रेट आपसे नहीं लिया जाएगा, ज़्यादा चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो अगर जिस भाई को चाहिए तो वो हमारी इसी वीडियो के नीचे अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस, ये 2 चीज़ें जो है कमेंट कर दे। और कमेंट जो आप करते हैं ना उर्दू में किया करें, इंग्लिश में ना किया करें, क्योंकि हमारे लिए वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उर्दू में कमेंट किया करें। तो अपने भाई को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।